नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, RPSC फर्स्ट ग्रेड का 30 नवंबर से अब तक लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन जारी है और आज सुबह बेरोजगार अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब से मुलाकात की और उसके बाद पैदल मार्च किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी वापस से पहुँच गए। लेकिन दोस्तों, अभी अभी कुछ देर पहले जो महावीर गुर्जर जी हैं, महासचिव राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव हैं, उन्होंने भी अभी अभी मुलाकात की है सचिन पायलट साहब से व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों अभी का ये, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, असलम सर ने भी एक जानकारी दी है, मुख्यमंत्री संभवतः आज रात या कल सुबह करेंगे हमारे प्रतिनिधि से वार्ता, मिल सकती है गुड न्यूज़। तो असलम सर का ये अपडेट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी NSUI तो स्कूल व्याख्याता परीक्षा को लेकर NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया व राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव महावीर गुर्जर समस्त छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से मुलाकात की। तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ मुलाकात की गई। फोटो जो आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब के साथ नज़र आ रहे हैं। और यही जानकारी महावीर गुर्जर जी हैं, उनका जो फेसबुक पेज है उस पर भी अपडेट की गई है उनके द्वारा, देख सकते हैं आप लोग व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के जो भी मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे उनको लेकर के। और फोटो में देखिए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर देख रहे हैं जो ज्ञापन उनको दिया गया है, यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए उप मुख्यमंत्री साहब और ये महावीर गुर्जर जी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभिमन्यु पूनिया जी भी यहाँ पर हैं जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभिमन्यु पूनिया जी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, सचिन पायलट साहब से मुलाकात की गई है। और ये कोई 1 घंटे पहले का अपडेट है दोस्तों। तो ये लगातार यहाँ पर संघर्ष जारी है व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लेकर के। तो दोस्तों देखते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी यूट्यूब चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ पर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का।